अभी हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है डोसा। ये पेस्ट बना रखा है उसका, और अभी इस पे डाल दिया है घी। डाला है अमूल वाला नहीं, देसी गाय को है, देसी भैंस का है। से आज का ब्लॉग है जो कि वो शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मॉर्निंग में नहीं किया। तो आज हम फिर से ट्राई करेंगे। पहले तो मैं अकेला ही कर रहा था वो बनाने का डोसा, तो उस टाइम पे नहीं बन पाया। आज ये कौन सा ये है, नॉन स्टिक जो होता है ना, क्या बोलते हैं, नॉन तवा, वो लेके आए हैं। तो आज हम फिर से बनाएंगे डोसा, देखते हैं फिर से कुछ पहले बनाया था उसमें कुछ सीखा है या नहीं। तो आज हमारे पास में जो हमारे से सीनियर हलवाई हैं वो भी हैं, तो हम आज ट्राई करते हैं बनाने की। तो अभी इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर रहे हैं। आलू है वो रखे हैं उबालने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम, हाउ आर यू, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम योर शेफ सुरेश उर्फ बाजीराव। हियर वी आर मेकिंग सम डोसा, मसाला डोसा। रेसिपी वी विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू मेक डोसा। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। पहले बना, बाद में देखा रेसिपी बाई सेट करनी है दूसरी अभी हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है डोसा। ये पेस्ट बना रखा है उसका, और अभी इस पे डाल दिया है घी। डाला है अमूल वाला नहीं, देसी गाय को है, देसी भैंस का है। तो ये आप देख सकते हैं डाल दिया है डोसा, पेस्ट डाल दिया। अब देखते हैं बनेगा या नहीं। ये पहले हम बना के देख रहे हैं कि अगर ये नॉर्मल वाला सक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद में मसाला डोसा बनाएंगे। तो ये लग तो रहा है ऊपर से, अब नीचे घुमाएंगे तब पता चलेगा। बन गया है वैसे, पहले जो बनाया था उससे अच्छा बना है, काफी अच्छा बना है। तो ये हो गया है अपना डोसा रेडी। तो मेरे को लग रहा है मिशन सक्सेसफुल। अब वो क्या है, इक्विपमेंट्स कम पड़ जाते हैं। जैसे अब ये लेके आ गए नॉन स्टिक तवा, लेके आ गए तो वो रह गया इसको पलटने वाला, जो कि मेरे रूम पे रखा है। आज हम यहाँ पे बना रहे हैं। जो आलू उबाल रहे थे उबालिए, अब उसका मसाला तैयार करेंगे हम डोसे का, क्योंकि जो पहले बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया प्लेन डोसा। अब इसका मसाले वाला बनाएंगे। गरम है ये भी, गरम है आलू। डोसा मसाला रेडी हो रहा है, ऑलमोस्ट हो गया है ना, होगा ना। आज बारिश भी आ रही है बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बाहर बारिश आ रही है, अरे भीग रहे। तो अपन चल, तो ये अपना मसाला डोसा रेडी हो गया। बोरे मसाला डोसा नहीं, डोसे का मसाला बनाएंगे हम। क्यों पतलू करेंगे, अगर आप में से किसी को डोसा रेसिपी आती है तो वो कमेंट करके बताएं।
अभी पेस्ट रेडी हो गया है और वो उधर मसाला रेडी हो गया डोसे का। और ये स्टार्ट हो गया है, ऐसे होता है ना वहाँ पे जो बनाते हैं डोसा वो छन छन होता है। सेम बना तो उसी तरीके से रहे हैं लेकिन अब बनेगा कैसे वो देखते हैं। पहले वाला तो अच्छा बना था और अभी बनाएंगे हम मसाला डोसा सेकंड टाइम। ये अपना मसाला डोसा बन गया है। बस इतो ही बाढ़ने लगे तो पल्ला तो होगा नहीं। तो ये देखो ऐसे, हाँ ये देखो ऐसे, इसमें ज़रूरत ही नहीं है उतारने की। ये अपने वैसे ऑमलेट की तरह उछाल के रख ले तो वैसे हो जाए, लेकिन रखना नहीं है, एक तरफ से होता है शायद। तो अभी ये वैसे बनाया है तो ये बताएंगे भैया थोड़ा सा क्या क्या डाला है इसमें। ये सूजी का बना है, सूजी और एक चम्मच बेसन है। थोड़ा दोस्तों ज़ोरों बता दो। 4 चम्मच सूजी है और 1 चम्मच बेसन है और 1/2 चम्मच चीनी है। तो अभी वैसे 4 चम्मच डालें सूजी की, कम रह गई जैसे पेट नहीं भरा तो और डाल देंगे, वैसे कोई दिक्कत। ये अब हम लगाएंगे इसमें हमारा जो देसी बटर है भैंस का वो। वैसे हमने अमूल का और बाकी जो बटर आते हैं वो भी खा के देखा, लेकिन जो मज़ा देसी में आता है ना वो उनमें नहीं आता, वो तो आप सभी को पता ही है। और ये देखो ऐसे कैसे हिल रहा है आराम से। अरे चिपको तो नहीं है, हाल तो नहीं तो ये भी। हाँ हिल रहा है, हाल। थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, टाइम लग रहा है क्या पता नया है इस वजह से लग रहा है या लगता ही है नॉन स्टिक में पता नहीं। ये अभी हम लगाएंगे इसमें मसाला और अपना रेडी हो जाएगा मसाला डोसा। मसाला थोड़ा टाइट है हैं। ये रेडी हो गया अपना मसाला डोसा 80 रुपये एक प्लेट। रुके को नहीं पानी छन छन ही करे। ये दूसरा बना रहे हैं और एक बार इसको खा के देखते हैं इसका कैसा टेस्ट है। मसाला वो तो पूरे में लगा नहीं है, थोड़ा सा इधर से मसाला लेके अपन। अच्छा है, नमक थोड़ा कम होना, पालन नमक जलना पड़ो। अब इनसे पूछ सकते हो टेस्ट कैसा है। थोड़ा सक्सेसफुल हो गया, इसी प्रकार हम सभी बना रहे हैं अभी। देखो ये जल्दी बना है और उससे अच्छा लग रहा है मेरे को दिखने में, क्योंकि पतला है वो थोड़ा मोटा बना था। तो आप देख सकते हैं अभी अभी 1-2 और बनेंगे, बाकी बन गए हैं और अच्छे बने हैं पहले से, साथ साथ में हम खा भी रहे हैं। और ये लास्ट है, इसके बाद में शायद हाँ 2 और बनेंगे, लास्ट नहीं है। दोस्तों हमारा हो गया है डोसा पार्टी। तो अभी ये समेट रहे हैं हम, जो भी मिक्सी वो निकाली थी बाहर। अब मैं जाऊंगा रूम पे। ये रख रहे हैं मिक्सी अंदर, देखिए ये रूम है, इधर किचन है, इधर वो दराज बोलते हैं अलमारी ये पढ़ने की, ये बेड है, इधर कूलर लगा हुआ है,
हो गया, तो अभी चलते हैं रूम पे। अपन रूम पे आ गया हूँ। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वैसे दोस्तों आपको बता दूँ, जो मेरा एक ब्लॉग है जो पहले वैसे शूट किया हुआ है, और एक बच्ची का ब्लॉग बनाया था मैंने, तो उसको मैंने कल अपलोड किया था, तो उस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, 800-900 व्यूज़ आ गए हैं। तो प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करें, अपना प्यार बनाए रखें हर ब्लॉग में। तो जिस हिसाब से मैंने सोच के ब्लॉग बनाए, चैनल बनाया है, तो मैं वैसे ही करूँगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। आज के लिए थैंक यू।